एवरीवन, वेलकम टू तफरी वाले लौंडे। तो भैया आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या होने इंटरेस्टिंग होने वाला यार। और व्यू दिखा दो जरा, हम लोग इधर आए हुए हैं। ये देखिए भाई, आज का व्यू कुछ ऐसा है, देख लो। और आज हम जाने वाले हैं लखनऊ की एक अनडिस्कवर्ड प्लेस पर, जिसको अभी तक किसी ने आज तक डिस्कवर नहीं किया। अभी तक हम डिस्कवर कर रहे हैं। हम डिस्कवर कर रहे हैं लेकिन तो, वो पहले से ही बनाई गई है, हमने नहीं बनाया है। तो भाई क्या है, कैसा है, क्या चीज़ है, सब कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले फटाफट जाओ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मारो इस चैनल को, बिकॉज भाई का चैनल है। शर्माना कैसा भाई, शर्माना नहीं है। तो भाई अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग को। तो फाइनली हम आ चुके हैं भाई साहब एक इंटरेस्टिंग जगह, जहाँ की आप देख सकते हैं, जिसका नाम है दिलकुशा कोठी। विवेक जी, ये है वो जगह जो हमको आपको दिखानी थी, बहुत ही यूनिक था यहाँ पर। और भाई ये प्रोहिबिटेड है, मतलब अभी ये प्रॉपरली इसको ओपन नहीं किया गया सबके, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जगह है हेरिटेज में। तो आज हम इस प्लेस को डिस्कवर करने वाले हैं और इस प्लेस की कुछ आपको अच्छी बातें बताने वाले हैं, जो कि आपको अभी तक पता नहीं होंगी। सो लेट्स चेक इट आउट। चलो भाई अंदर चलते हैं। सो ये देखिए कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, विवेक भाई आपको पढ़ के दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं और मैं इसको डाल दूंगा, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं जो चीज़ें जैसे जैसे लिखी हुई हैं कि क्या कब बना है और कैसे। तो चलो भाई चल रहे हैं। ये रहा गेट, जैसे क्या देखते हो गेट में लगी हुई है सिटकिनी। तो भाई अभी भी हम लोग नीचे से घुसेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये है वो जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और ये कब बना था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा हुआ है काफ़ी पुरानी है, इमारत है 1847 की। तो इसको लास्ट किंग ऑफ नवाब या लखनऊ मैं कहूँ, उन्होंने बनाया था। और ये जो बनाया गया था, ये बेसिकली बनाया गया था समर में, ठंड गर्मियों में, एज अ आपको ठंड मतलब ऐसी जगह जो कि कूल जगह है, रिलैक्स करने के लिए, बेसिकली जस्ट टू रिलैक्स। और एक तरीके एक और इसका का वो था, पर्पस था, वो था कुछ घोड़ों को रखने के लिए, बेसिकली स्टोरेज, रिलैक्स करना, आपको आराम करना हो तो। तो दोस्तों ये है, ये जो पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर देख पा रहे होंगे, ये पार्ट पीछे का पार्ट है बिल्डिंग के। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आगे से एंट्री ली और ये पार्ट जो है उसके पीछे का पार्ट है, मतलब किले के पीछे का पार्ट है ये। और मेरे हिसाब से ये किला, मैं अपनी बात बताऊँ तो ये मेरे को छोटा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा किला है। बट यहाँ का जो नज़ारा है, आप यहाँ से सामने देखो, ये सामने का पार्ट देखो, कितना अच्छा व्यू दे रहा है, ये लैंडस्केपिंग कितनी अच्छी है। अगर आप अगर आके यहाँ पर शूट कराना चाहो, कुछ फोटो शूट या गाना शूट, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस समय की बात अगर मैं बताऊँ तो आगे की साइड में आप देख सकते हो प्रॉपर जो पेड़ है, पेड़ के नीचे फुलवारियाँ बनाई गई हैं और एक प्रॉपर पाथ गया हुआ है, पुराने ज़माने का ही पाथ है, थोड़ा सा उसको मेनटेन किया गया है। और वहाँ पर जो मैं अभी आपको ले चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊँगा, तो वहाँ पर प्रॉपरली जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के बैठने की जगह है, मतलब लीजर टाइम में कहूँ मैं तो, वहाँ पर बैठते थे, आराम करते थे, नाश्ता पानी करते थे। और तब के ज़माने में ये सब थोड़ा सा प्रॉपर लैंडस्केपिंग और अच्छी थी, जंगल टाइप का, तो वहाँ का नज़ारा कुछ और अलग था, तो उसमें उनको मज़ा आती थी। सो फाइनली हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जगह है बेसिकली काफ़ी बेहतरीन बनाई हुई है, बेसिकली जो है इनका एक आराम करने की जगह, जैसे कह सकते हैं सारा जो स्टोरेज का जो एरिया है बेसिकली वो ये था। और जैसे कह सकते हैं काफ़ी कुछ टूट चुका है, इमारत जो है पूरी खंडर हो गई है क्योंकि काफ़ी पुराना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मीनारों वाले स्ट्रक्चर हैं, ये पहले यहाँ पर खड़े पकड़ते थे, अभी टूट गए हैं, बेसिकली उस समय अवेलेबल नहीं दिखेंगे आपको। और सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो देखने में बहुत बढ़िया बनाया गया था। तो ये है बेसिकली मेन एरिया ना, जिसे हम कह सकते हैं जाने के लिए यूज़ करते हैं।
ये जो सीढ़ी यहाँ पर आती है, अगर आते हैं तो आप क्या देखते हैं, सीढ़ी जो बनी है स्ट्रक्चर वो पुराने जमाने के, ये मीनार के स्ट्रक्चर हैं, और ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर कुछ भी चीज़ों को स्टोर किया जाता था। तो आप कैमरा देख करके यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐसा देखने में लगता था। सो काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है और अभी भी टूटने के बाद भी काफ़ी सॉलिड बेसिकली बना हुआ है यहाँ पर, और इसको मेनटेन करी है ऐसाई। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके और अच्छी फीलिंग आ रही है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें। ये वो मीनार है जिनकी मैं आपको बातें कर रहा था कि जो जिस पर बेस लगा कर पूरा चीज़ खड़ा था, तो ये टूट चुकी हैं। तो ये तीन मीनार इस समय अवेलेबल है यहाँ पे आपको दिखेंगी। फाइनली हम दोनों, हम भी एक भाई अंदर आ चुके हैं। और आशुतोष भाई को मैं दिखाना चाहूंगा वो ऊपर ही है भाई। कहाँ है भाई ये, कहाँ वो देखो, ये हमारे आशुतोष भाई। तो कैसी फीलिंग आ रही है भाई आपको? भाई अच्छा लग रहा है। तो भाई ये पीछे का देखो, ये पार्ट है जो कि आगे से आप पिलर देखो यार, बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि आगे से आपको ढंग से दिख नहीं पा रहा था आगे से। और अभी हम लोग चलते हैं आगे की साइड और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे है। मतलब बेसिकली तो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ये, तीन मंजिला स्ट्रक्चर है, बट ये अभी एक ही मंजिल, हाँ एक ही मंजिल अभी बाकी है। भाई यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ज्यादा, मतलब कि शोरगुल ना मचे अगर आप भी अंदर आए तो, ज्यादा हाँ ये आवाज ना करें अंदर। हम लोग परमिशन लेके आए अंदर, तो आपको अगर गार्ड ने परमिशन दी है तो आप आ सकते हो, अन्यथा मैं नहीं रिकमेंड करूँ कि आप अंदर आओ, क्योंकि अंदर आना थोड़ा सा रिस्की है। वो है बेसिकली एक क्या कहते हैं, वो थे ब्रिटिशर थे, तो उनकी यहाँ पर ग्रेव बनी हुई है, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी वो चीजें लिखी हैं, तो वो आपको हम दिखाएंगे अभी। तो बेसिकली यहाँ पर एक ग्रेव है जॉन पीथ डैशवुड की, जो कि शायद 19 इयर्स लिखा है, 19 इयर्स की एज में उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो ये ग्रेव बनी हुई है। और एक और थे जिन्होंने यहाँ पे अंतिम सांसें ली थी, उनका नाम नहीं पता क्योंकि वो ऐसा सही से लिखा नहीं है, तो लिखा है वो मिट गया बेसिकली, काफी पुराना हो गया, पत्थर ऐसा खराब हो गया। तो आइए चलते देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा वो एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेव का एरिया, तो ये रही वो ग्रेव, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रही वो ग्रेव, और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं तो आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेवमेंट की गई है, इन मेमोरी ऑफ लिखा है। सो ये बेसिकली पूरी ग्रेव है जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरह से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ये एक ग्रेव है, लेकिन इसके बारे में लिखा जो है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज काफी ज्यादा वो क्या कहते हैं वो हट गया है और ब्लैक 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 हो गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड आउट। ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मतलब ये कुछ आई थिंक ये मेन उन्हीं की थी जिनके बारे में जो हमने आपको बताया है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। इधर का एरिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और आप देख भी लो ये पीछे का एरिया, जो कि पीछे का एरिया का नाम है दिलकुशा गार्डन, और उसका व्लॉग भी हम बहुत जल्दी ही बनाएंगे, तो वो भी आप स्टे ट्यून्ड देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो भाई ये हमारा ब्लॉग था बेसिकली, ये रहा व्लॉग। और भाई यार कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें आपने देखी और कैसा आनंद मिला आपको। भाई शूट करने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है एकदम साइलेंट, वो बहुत खुशी दे रही है दिल को। सही बात है, अगर आप भी साइलेंट चीज़ें एनवायरनमेंट को बड़ा प्रेस पसंद करते हैं, थोड़ा सा नेचर के करीब आना चाहते हैं, थोड़ा सा मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल यहाँ आना बनता है। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो उससे जाने से पहले एक काम करो यार, इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक मारो, शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बिकॉज शर्माना कैसा भाई भाई का चैनल है। और भाई आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं लखनऊ में, और आप भी लखनऊ वाले हो तो सब्सक्राइब मारो। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। No need to fight about it, easy come, easy go.